हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमर है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रीडर बकरों के पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स कैसे चेक करते हैं। ये हमारा बड़ा ब्रीडर है, इसने आपको इसको आपने कुछ वीडियोज़ में देखा होगा। काफ़ी हद तक इसके साथ दोस्ती हो जाती है मेरी, फिर कभी कभार गुस्सा हो जाता है। आज आपको बताऊँगा कि इसको हम कोई 75 to 100 पॉइंट्स क्यों देंगे। ठीक है, इस बकरे की हाइट बहुत अच्छी है, 46.5 इसकी हाइट है। लेंथ इसकी आई थिंक थोड़ी सी बड़ी है, लास्ट टाइम हमने कुछ महीने पहले इसको नापा था तो 57 इसकी लेंथ थी, आई थिंक थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। लेकिन इसके 75 to 100 क्यों है? इसकी जो सींग थे वो सर के अंदर वापस इन ग्रोइंग हॉर्न थे, हमें काटने पड़े थोड़े से। होना ये चाहिए कि जो अमृतसरी बीतल का बकरा हो उसके सींग चपटे हों लेकिन सर के साथ साथ हों, अंदर ना जाएं। ठीक है, फिर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में इसकी लूज स्किन बहुत ज़्यादा है, झालर इसकी है तो इसके अंदर गोश्त भर सकता है, इसको आप फैटनिंग के लिए कर सकते हैं। जो भी इसके बच्चे होंगे वो लूज स्किन के होंगे और छाती इसकी काफ़ी चौड़ी है। ठीक है, ये तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स। इसकी पिछली टांगें थोड़ी सी वीक हैं जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, हमने इसको एज अ बड़ा बकरा ख़रीदा था, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम 75 to 100 देंगे। इसके जो बच्चे होंगे हमें नहीं पता कि उन में से पैदा होने वाली जो बकरियां हैं उनका दूध ज़्यादा होगा कम होगा, कुछ भी हो सकता है, तो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छी हैं, कद कार्ड इसका बहुत अच्छा है, सब A1 है। अभी ये है 6 दांत में माशाल्लाह, और जो है इसकी हाइट और लेंथ बहुत अच्छी है। हम देखते हैं सींग, नाक, नाफ झालर, छाती और कद, और उसके बाद हम देखते हैं रिकॉर्ड कि इसकी माँ का दूध कितना था, ज़्यादा था, कम था, इसकी माँ के जो बाकी बच्चे पैदा हुए हैं उनकी हाइट क्या हुई है। लेकिन आप बड़ा बकरा लेते हैं तो आप उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं कि कद होगा, लेकिन इसके दूध का कोई हमें पता नहीं है। अब इसमें से पैदा होने वाले दो मेल बच्चे जो इसकी बकरियों में से पैदा हुए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अफाक तोर चिलेरा और चिलुके, एक बकरी में से इसने ब्लैक बच्चा पैदा किया है और एक में से इसने ब्राउन पैदा किया है। अब हम आपको दिखाएंगे पहला वाला इसका बच्चा, इसको मैं जाने देता हूँ। ये सारे के सारे बकरी बकरे अमृतसरी बीतल हैं। अभी इसका एक ये बच्चा जो है ये पैदा हुआ था हमारे पास करीबन आई थिंक इसकी अभी उम्र कोई 7 से 8 माह की होगी। इसको मैं थोड़ा पीछे ले आता हूँ ताकि कैमरे में नजर आ जाए। 7 से 8 माह की होगी, जैसा कि आप कैमरे में देख रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा और आपके सामने ले आता हूँ। ये पूरा ब्लैक कलर में है क्योंकि इसकी जो माँ थी वो ब्लैक में थी। अब इसकी जो सींग है ये बाप की तरह इन ग्रोइंग नहीं है, चपटे हैं जैसे कि होने चाहिए। ठीक है, ये देखें इसके सर के अंदर नहीं जा रहे। इसका कद वगैरह बहुत अच्छा है, फिजिकल बिल्ट इसकी बहुत अच्छी है, इसने माँ का दूध अच्छा पिया है। इसकी जो माँ का दूध का रिकॉर्ड है वो एवरेज था, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। तो इसको हम उस केस में कहेंगे कि भाई 90 of 100, 10 मार्क्स इसका दूध के रिकॉर्ड के हिसाब से कम है। बाकी 90 पॉइंट्स इसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे हैं, जो इसकी एज है उसके हिसाब से इसकी हाइट वाइट बहुत अच्छी है। अभी ये करीबन कोई 38 इंच के करीब होगा और इसकी लंबाई माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है और इसकी अभी उम्र बहुत कम है, तो इसने काफ़ी और बढ़ना है। तो ये इसका एक बच्चा है अफक अखड़ मरावड़ा। अभी मैं आपको इसी का इस बकरे का बच्चा दिखाता हूँ जो कि एक और बकरी में से इसका पैदा हुआ है। दोनों की सेम एज है, इस ब्लैक बच्चे की और ब्राउन बच्चे की एज सेम है जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे पास ये ब्राउन वाला बच्चा आ चुका है। ब्राउन वाला बच्चा और ब्लैक वाला बच्चा ये दोनों तकरीबन एक ही टाइम में 1-2 दिन के फर्क से पैदा हुए हैं। इनका बाप सेम है लेकिन अलग अलग माओं से ये पैदा हुए हैं। अभी ब्राउन वाले को मैं फिर से 90 out of 100 दूंगा। क्यों? जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी ये सींग मुड़ रहे हैं और जिस्म के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें हल्का सा गैप है। एट सम पॉइंट में भी जब इसकी उम्र कोई 2 साल के करीब होगी हमें इसका सींग काटना पड़ेगा, यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा क्योंकि बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएगा और डैमेज करेगा। होना ये चाहिए कि ब्रीडर का सींग छोटा हो, अमृतसरी बीटल ब्रीडर की बात कर रहा हूँ, सींग छोटा हो और स्किन के साथ पैरेलल जाए, चपटा सींग जिसको कहते हैं, जिस्म के अंदर वापस ना जाए। फिर कानों की लंबाई जो इनकी होती है, अक्सर लोग समझते हैं लंबा कान होना चाहिए। कान की लंबाई 10-12 इंच अगर है, जो कि तकरीबन आपके
मतलब हाथ से लेकर थोड़ा सा एक दो इंच ऊपर तक हो इतना, तो ये ठीक है। इससे अगर लंबा कान है तो वो अमृतसरी बीतल नहीं, वो कुछ क्रॉस होगा, ठीक है। तो इतना लंबा कान होना नहीं चाहिए, 10 से 12 इंच मैक्सिमम कान लंबे होने चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं नाफ झालर होनी चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जिस्म अगर आप इसकी फैटनिंग करेंगे तो यहाँ से इसको भरा जाएगा। फिर इसकी छाती, ठीक है, बड़ी चेस्ट होनी चाहिए, यहाँ से इसकी बिल्ट ऐसी होनी चाहिए कि पूरा इसको भरा जा सके, जिसको कहते हैं चौड़ी हड्डी। ये देखें इसका फ्रेम चौड़ा है। अभी अगर मैं इन दोनों बकरों को कंपेयर करूं तो ये वाला बकरा जो था इसको मैंने 90/100 दिए हैं, इसकी माँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन इसके सींग थोड़े से चपटे हैं। अगर मैंने दूध के लिए बकरा पालना है तो इसको मैं साइड पे करता हूँ ताकि ये वाला आपको नजर आए, इसमें कलर ज्यादा है, और दूसरा ये कि इसकी माँ का जो रिकॉर्ड था दूध का वो बहुत ज्यादा था। इसकी माँ तकरीबन जब प्रेग्नेंट थी तो 4 से 5 बच्चों को लेटली वो दूध पिलाती रही है, तो उसके नीचे दूध बहुत ज्यादा है। तो अगर दूध के लिहाज से देखा जाए, इवन दो कि इसकी हाइट काले वाले से थोड़ी सी कम है, दूध के लिहाज से ये वाला बकरा मैं चूज करूंगा। और अगर मैंने गोश्त के लिए पालना है, मुझे बड़ी बिल्ट के बकरे चाहिए, तो मैं ये ब्लैक वाला पालूंगा। अगेन कलर की अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन फिजिकली ये एक ज्यादा स्ट्रांग बच्चा है, लेकिन इसकी माँ का दूध एवरेज था। तो ये थी आज की वीडियो, मैं इनको छोड़ता हूँ। ये बकरों का भी फीडिंग टाइम है, यहाँ पे शाम हो रही है, बिल्कुल गर्मी अभी भी थोड़ी थोड़ी है, और बस इन बकरों को थोड़ा थोड़ा हम इस टाइम वंडा वगैरह देते हैं ताकि ये खाएं पिएं और सोएं। अभी ये चर के आते हैं वापस, तो इस टाइम अभी इनका स्नैक का टाइम है। तो आज की वीडियो हम बना रहे थे ब्रीडर के सिलेक्शन के बारे में, अमृतसरी बीटल ब्रीडर की। आपने सींग देखने के छोटे चपटे सींग होंगे, उसकी झालर लूज स्किन लटकरी होगी, उसकी टांगें मजबूत डबल हड्डी, और छाती चौड़ी होगी, और हाइट आपको अगर बड़े बकरे चाहिए तो आपको बड़ी हाइट ही चाहिए। अगर आप छोटा बकरा खरीद रहे हैं तो फिर उसका रिकॉर्ड चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बड़ा होगा तो पता चले कि कैसा बकरा बनेगा। तो हो सके तो पेरेंट्स का रिकॉर्ड चेक करें, अगर वो नहीं हो सकता तो बड़ा बकरा खरीदें। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम चूंकि मीट के लिए बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हम जो गोश्त वाले बच्चे होंगे उसके लिए काला बकरा पालेंगे, जो दूध वाली बकरियां हमें चाहिए होंगी उनके लिए हम ब्राउन वाला ब्रीडर पालेंगे। तो दोनों बच्चे हम बड़े करेंगे और फिर देखेंगे इंशाल्लाह क्या बनता है। लेकिन ये थी आज की वीडियो ब्रीडर्स को सिलेक्ट करने के बारे में। चलें मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।